बीमिश बुकवर्म्स के क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम अ पॉइजन ट्री पोएम पढ़ेंगे और समझेंगे। ये पोएम कवि श्री विलियम ब्लेक द्वारा रचित है। ये कविता उनकी पोएम कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस का एक हिस्सा है। पोएम यूं तो बेहद सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड लगती है, मगर इसका एक डीप और सिग्निफिकेंट मीनिंग है। ये एक मेटाफोरिकल पोएम है। इस पोएम के माध्यम से कवि ने हमें समझाने का प्रयास किया है कि हमें अपने अंदर कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स या नेगेटिव इमोशंस को कैद नहीं करना चाहिए, उन्हें आजाद कर देना चाहिए, नहीं तो वे हमारी सेहत और हमारी वेलबींग के लिए हानिकारक हो सकते हैं। आओ पोएम पढ़ते हैं। A poison tree. I was angry with my friend. I told my wrath. My wrath did end. I was angry with my foe. I told it not. My wrath did grow. Wrath माने anger या गुस्सा. Foe माने enemy, दुश्मन. कवि कहते हैं कि मैं अपने मित्र से जब किसी बात पर खफा हुआ तो उस बात को मैंने उससे डिस्कस कर लिया। हमारी अनबन, हमारा झगड़ा हो सकता था, मगर शांति से बैठकर हमने बातचीत की और मसला हल हो गया। मेरा गुस्सा भी ठंडा पड़ गया और हम फिर से मित्र बन गए। लेकिन जब मेरा झगड़ा मेरे शत्रु से हुआ तो मैंने उस बात को उससे बैठकर डिस्कस नहीं किया। हर बात शुरू में छोटी होती है। यदि उसका हल शुरू में ही ढूंढ लिया जाए तो वह कभी बड़ी नहीं बनेगी और जीवन सुकून से चलता रहेगा। मगर कवि ने शत्रु से बातचीत नहीं की। जिस बात पर वे उससे नाराज थे वो दिल में ही रखी। नतीजा ये हुआ कि उनका गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता गया। आगे पढ़ें। And I watered it in fears, night and morning, with my tears. And I sunned it with smiles, and with soft, deceitful wiles. Watered माने पौधे को पानी देना, deceitful याने धोखे से भरी, wiles माने चालें। यदि हम अपने बगीचे में कोई जंगली पौधे को उगता देखते हैं, तो क्या करते हैं? हम तुरंत उस वीट को उखाड़ देते हैं, है ना? ठीक उसी तरह हमारे मन के बगीचे में सुख, शांति, करुणा, त्याग रूपी फूल खिले हों, तो हमें ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आदि जंगली और विषैले पौधों को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। कवि को भी यही करना चाहिए था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्रोध रूपी उस पौधे को बढ़ने दिया, अपने अंदर डर से उसे पानी दिया, और वो पानी था उनकी कुंठा, उनकी फ्रस्ट्रेशन के कारण निकल रहे उनकी आंखों के आंसू। वे फ्रस्ट्रेटेड थे क्योंकि उन्होंने अपनी बात अपने शत्रु से नहीं की। पानी के साथ साथ एक पौधे को बढ़ने के लिए धूप की भी आवश्यकता होती है। अपने पौधे को उन्होंने धूप दी अपनी झूठी मुस्कानों की, अपनी धोखे से भरी चालों की। वे हर प्रकार का यत्न कर रहे थे कि उनका क्रोध रूपी पौधा बस बढ़ता ही जाए। अपने बाहरी नॉर्मल बिहेवियर से, छल कपट और स्वांग से वे अपने क्रोध, अपनी नाराजगी को लगातार अपने शत्रु से छिपाए हुए थे। आगे पढ़ें। And it grew both day and night, till it bore an apple bright. And my foe beheld it shine, and he knew that it was mine. Bore माने give birth to, जन्म देना, beheld माने ध्यान से देखना। वो क्रोध रूपी पौधा बढ़ता ही चला गया।
उसे काटने का या उसे बढ़ने से रोकने का कवि ने कोई यत्न नहीं किया। आखिरकार वो पौधा एक वृक्ष बन गया और उस पर लाल लाल चमकीले सेब उगने लगे। यह कवि ने एप्पल का ही उदाहरण क्यों लिया है, कोई अन्य फल का क्यों नहीं? वो इसलिए कि सेब एक बहुत ही कॉमन फ्रूट है, क्रोध भी एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है, तो दोनों में ये सिमिलैरिटी है कि दोनों ही बेहद कॉमन हैं। उस चमकीले जूसी एप्पल को देखकर शत्रु का मन ललचा गया। वो जानता था कि वो एप्पल उसके शत्रु का है, विषैला भी हो सकता है, फिर भी उसे पाने की उसके मन में तीव्र इच्छा हुई। यहां पोएट ब्लेक ने एक अति सुंदर रेफरेंस दिया है बाइबल से। आप जानते होंगे एडम, ईव, सर्पेंट, एप्पल एंड द गार्डन ऑफ ईडन के बारे में, कैसे सांप के बहकावे में आकर ईव फॉरबिडन फ्रूट यानी एप्पल को तोड़कर खा लेती है और एडम को भी खिला देती है। इसी कारण से उनके पतन की शुरुआत हो जाती है। यह सांप कवि हैं, धोखेबाज, शातिर और गहरी चालें चलने वाले। एडम और ईव हैं कवि का शत्रु, जो उस एप्पल को देखकर मोहित हो गया। आगे पढ़ें। एंड इन टू माई गार्डन स्टोल वेन द नाइट हैड वेल द पोल इन द मॉर्निंग ग्लैड आई सी माई फो आउटस्ट्रेच्ड बीनीथ द ट्री। स्टोल माने छिप छिप कर काम करना, स्नीकिंग। वेल्ड माने छिपा हुआ या कवर्ड। पोल यानी पोल स्टार, ध्रुव तारा। बीनीथ नीचे, आउटस्ट्रेच्ड फैलाया हुआ। रात के अंधेरे में कवि का शत्रु उसके बगीचे में छिपते छिपाते चोरी से घुसा। उसका इरादा एप्पल को चुराने का था। यहां कवि ने स्टोल शब्द का प्रयोग किया है। इसके दो अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ है स्नीकिंग, चोरी छिपे जाना। दूसरा अर्थ है लिटरली स्टीलिंग, चोरी करना। तो शत्रु ने चोरी छिपे चोरी की। उस समय ध्रुव तारा शायद कुछ बादलों के पीछे छिप गया था, दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी रोशनी धरती पर नहीं पहुंच पा रही थी। अब ध्रुव तारा क्या करता है? नेविगेशन में मदद करता है, सभी को सही रास्ता दिखाता है। वो गलत मार्ग पर न चले जाएं, भटक न जाएं, इसमें मदद करता है। उस रात पोल स्टार छिपा हुआ था, इसलिए वो शत्रु को सही राह नहीं दिखा पाया, खतरे से नहीं बचा पाया। यही कारण है कि शत्रु भटक गया, चोरी के गलत मार्ग पर चल दिया। अगली सुबह जब कवि ने खुश होकर अपने बगीचे में झांका, तो पाया कि उसके विषैले एप्पल को खाकर उसका शत्रु पेड़ के नीचे मरा पड़ा है। क्रोध या अन्य किसी भी नेगेटिव फीलिंग को हमें दबाना नहीं चाहिए। हमने एक मुहावरा सीखा है, गुस्से को पी जाना। इसका अर्थ है गुस्से को अपने अंदर दबा लेना, सप्रेस कर देना। पर ये तो गलत है। सप्रेस कर देने से वो फीलिंग दबकर खत्म नहीं हो जाती, बल्कि एक भयानक विनाशकारी रूप ले लेती है। प्रेशर कुकर्स का ही सिंपल एग्जाम्पल लीजिए। जब कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है तो वो विसल देकर उसे रिलीज कर देता है ना? वैसे ही हमें अपने अंदर की कुंठाओं, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब को रिलीज कर देना चाहिए। फेमस ऑथर मार्क ट्वेन के ये शब्द मुझे याद आते हैं। एंगर इज दैट एसिड दैट कैन डू मोर हार्म टू द वेसल इन विच इट इज स्टोर्ड दैन टू एनीथिंग
on which it is poured. यहां पूरा होता है a poison tree का explanation. I hope ये poem आपको अच्छे से समझ आ गई होगी. Beamish Bookworms की तरफ से आज इतना ही. Happy reading, happy studying everyone. I hope ये video आप लोगों को अच्छा लगा होगा. In case आपके कोई doubts हैं, कोई questions हैं, तो नीचे comment section में आप उनसे पूछ सकते हैं. Thank you for watching. अगर आपको आज मेरे साथ सीखने में मज़ा आया तो प्लीज़ बीमिश बुकवर्म्स को लाइक और सब्सक्राइब करें. साथ ही में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.